दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आप सभी का। ये स्पोर्ट बाइक है, इसमें दोस्तों प्रॉब्लम ये है, ये चाबी को ऑन किया, बाइक को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करिए। ये देखिए दोस्तों, इसकी हेडलाइट जल रही है और इसके मीटर में लाइट नहीं जल रही है। ये देखिए बटन भी ऑन है और यहाँ मीटर में लाइट नहीं जल रही है, इंडिकेटर का जल रहा है। ये देखिए इंडिकेटर का जल रहा है, तो इसको सही करने के लिए हम इसका वाइजर खोलेंगे। दोस्तों वाइजर में 3 बोल्ट लगे हैं, एक यहाँ पे 10 नंबर है और एक यहाँ पे 10 नंबर है और एक यहाँ पे है, तो हम तीनों बोल्ट खोलेंगे। और वाइजर को बाहर निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे मीटर में लाइट क्यों नहीं जल रही है। दोस्तों वाइजर का भी बोल्ट खोल लिया है और वाइजर को बाहर निकालेंगे। निकालो, ये वायर निकाल देने हैं लाइट के हैं, हेडलाइट का केबल है, इसको खोल देंगे, ऐसे खोल देना है। ये देखिए इसे खोल देना है और मीटर के ये 10 नंबर बोल्ट लगे हैं, इन दोनों बोल्ट को खोल लेना है और मीटर को बाहर निकाल लेना है। ये देखिए मीटर को खोल दिया है, अब इसमें चेक करेंगे, बल्ब फ्यूज है इसका या कहीं वायरिंग से समस्या है। तो दोस्तों ये तीनों बोल्ट भी खोल लेना है, एक ही और एक होल्डर यहाँ पे लगा है लाइट वाला, तो ये निकलेगा नहीं, तो इसके वजह से तीनों बोल्ट खोलेंगे। तीनों बोल्ट खोलेंगे और पत्ती को बाहर निकालेंगे। पत्ती को बाहर निकाल दिया है, यहाँ है, बाइक को स्टार्ट करेंगे। ये देखिए बाइक स्टार्ट है और स्टार्ट करने के बाद यहाँ है इसके मीटर में जो बल्ब लगे हैं लाइट वाले, मोटर निकाल लेना है। लाइट नंबर बल्ब है मीटर से, उनको निकाल लेना है। और ये नए बल्ब लगाना है, ये देखिए दोस्तों दोनों बल्ब जलने लगे हैं मीटर के, तो होल्डर को मीटर बॉडी में लगा देंगे। हमारे मीटर में लाइट जलने लगी है, समस्या गलत थी इसके, दोनों बल्ब टूट गए।